बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पंजाब के सीएम। तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का धरना है, मंत्रियों के साथ बताया जा रहा है कि वो धरने पर बैठे हैं और राष्ट्रपति से मिलने का वक्त ना मिलने पर ये धरना उन्होंने किया है। कृषि कानून के खिलाफ अमरिंदर सिंह का दिल्ली में धरना देखने को मिल रहा है। पंजाब में बिजली संकट भी है, उसे लेकर भी विरोध जता रहे हैं और जंतर मंतर पर धरने पर पंजाब के सीएम बैठे हैं। उन्होंने वक्त मांगा राष्ट्रपति से मिलने का इस समस्या को लेकर, लेकिन जब वक्त नहीं मिला तो वो धरने पर बैठ गए हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ अमरिंदर सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं और अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के सीएम का आज दिल्ली में धरना है और उससे पहले श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं वो। दरअसल आज राष्ट्रपति से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने का वक्त नहीं मिला, जिसके बाद कृषि कानून के विरोध में अमरिंदर सिंह धरने पर बैठे हैं। पंजाब में बिजली संकट भी है, इसे लेकर काफी नाराजगी है और इन सभी मसलों को लेकर वो राष्ट्रपति से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन आज जब समय नहीं मिला राष्ट्रपति से, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब के सभी नेताओं के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। देते फॉर डिफरेंट रीजन, हमें मालूम था नहीं पहुंचा, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री एंड वी वांटेड टू टेल हिम व्हाट द सिचुएशन इन पंजाब वाज। हमारा राइट बनता है, आई एम इज चीफ मिनिस्टर, दीज आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस एंड वी वांटेड टू उनको बताना चाहिए, हम चाह रहे थे कि क्या हो रहा है पंजाब में, कैसा हमारा चल रहा है एंड वी होप्ड दैट ही वुड टॉक टू द गवर्नमेंट। हमारा प्रॉब्लम ये है, सब रेल सर्विसेज बंद हैं, कोयला खत्म हो गया, आई गॉट नथिंग। आज हम जितना पैसा है, थोड़ा सा पैसा है, वो हम खरीदे हैं फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। दिल्ली के बिच उन्होंने हेड जो हेड ने उन्होंने अपना असेंबली के बिच नहीं पास किया, उन्होंने कहता होना कि तुम ना जाओ।